हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाईयो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। तो भाईयो ये देखें, ये वही होंडा सिटी है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में दिखाई थी। तो भाई अब इसमें हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, इसको काफ़ी जो है ना वो पहले से बेहतर बना दिया गया है, और मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो भाई ये इसकी बाहर की लुक, और ये जो रिम टायर्स आप लोग देख रहे हैं ये इसके नहीं है, इसके अपने कल आ जाएंगे इंशाल्लाह, पिन पैक न्यू 0 मीटर। ठीक हो गया भाई। तो ये रहा भाई इसकी बाहर की लुक, ये देख ले माशाल्लाह कमाल की हो गई है भाई। सिर्फ जो ये थोड़ी बहुत अच्छी नहीं दिख रही, वो सिर्फ ये रिम टायर्स की वजह से। ठीक है, ये हो गया भाई इसकी आउट लुक, और ये भाई इसकी बैक लुक, ये देख ले भाई। ठीक हो गया। अब साथ साथ मैं आप लोगों को इंटीरियर भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये भाइयों इसका इंटीरियर ये देख ले, अंदर से भी देख ले, ये हो गया भाई। ये साथ साथ में पीछे वाले भी आप लोग देख ले, ये देख ले भाई। तो भाइयों ये इसकी इंजन की कंडीशन देख ले भाई। ये सिर्फ इस टेपर्ड कवर का ये कलर वगैरह जो है ना ये रह गया, लेकिन ये बात की बातें हैं, ये बाद में हो जाएंगी जैसे गाड़ी जो है ना मैकेनिक से फ्री हो जाए ना तब, क्योंकि फिर वो लोग दोबारा इसको हाथ लगाकर गंदा कर लेते। अच्छा भाई, या इसके साथ साथ अब बात करते हैं इसकी एसी की। तो भाई ये जो है ना ये इसका जो रेजुलेटर है ना Gen1 कंपनी से जो आता है वो हमने लगवाया है, इसका ओरिजिनल कंप्रेसर, इस पर एसी ऑन की है, लेकिन अब चूँकि अब सर्दियाँ है तो अब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन लगा दिया है बाकायदा। अब इसमें पॉक लाइट्स लगानी बाकी है, वो कहीं से मिल नहीं रही। अगर आप लोगों के को पता हो पॉक लाइट्स के बारे में तो काइंडली मुझे कमेंट कर ले, मैसेज कर ले, बता दे, ताकि वो भी मैं साथ साथ लगवा दूँ। और ये भाई इसका दूसरा साइड, भाई ये इसका डैशबोर्ड ये देख ले। ठीक हो गया। ये देखिए भाई, इसके पूरा सिस्टम जो है ना वो मैंने ठीक करवाया है, और चलने में जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी स्मूथ और काफ़ी खामोश, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई अब आते हैं डिग्गी की तरफ, तो ये मैं खोल के दिखाता हूँ भाई। ये रही इसकी डिग्गी, इसका ये कारपेट वगैरह जो है ना वो काफ़ी हद तक सिर्फ गंदा है, इसमें CNG बिल्कुल भी टचअप नहीं है। तो इसको भी इंशाल्लाह हम और मज़ीद प्यारा कर लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा भाइयो, अब मैं एक और मज़े की बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें हम लोग यहाँ पर एम्बियंस की लाइट्स जो आती है वो लगवाएंगे इंशाल्लाह। ये सारा जो है ना ये डोरिस का वो उससे भरा होगा, ये एसी का पैनल जो है ना यहाँ पर भी लगा होगा, और साथ साथ में इस पैनल पर भी ये सारा के सारा। ठीक हो गया भाई। ये बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अंदर से माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और भाई अब बात करते हैं स्पीड मीटर की। तो स्पीड मीटर इसका माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो माशाल्लाह प्यारा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका स्पीड मीटर कंपनी से फिटेड अच्छा आता है। ठीक हो गया भाई, ये सब कुछ इसका अब ऑफ हो जाएगा, और भाई इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है ना वो हम प्यारा बनाएंगे, इसको मॉडिफाइड करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
फिर आप लोग हमें बता दें कि भाई कैसी लगी हमारी प्रोजेक्ट। भाइयों अपना बहुत बहुत ख्याल रखे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर नियासान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।